जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। साथ में फोटो मत ले। अच्छा बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नजदीक आना चाहे आ सकता, तू कहाँ जा तो बहू एक एक यही डोरी और लाने। अच्छा ले आ, ले आ कोई है नहीं बाबा जी। आप बोलिए, आप अपने बारे में बताइए बाबा जी। ले आ दौड़ के ले आ, बच्चा प्रश्न कायदे करोगे तो सब उत्तर दे। आप उसको दे, यही में जी सब लेख है हमारे लिए जी जी। और सुना जी, ऐसे अपने बारे में का बताई कौन चीज जो पूछोगे वो बताइए। आप जो भी बताना चाहें बाबा जी, बचपन से अब तक का बचपन जी। अरे यहाँ बालापन है, जल से उत्पत्ति वाला ग्रंथ नहीं दे देता तो आप महाराज महाराज करवाओ जो कहा करवाना। योगी का बचपन होता ही नहीं है जी, पागल दे दिया था ग्रंथ दिया, वही में लिखा है, पढ़ी नहीं लिखी जी। पहले मिला था आपको जल से उत्पत्ति, मुझे कोई पहचानो पढ़िए। हाँ पढ़ा भाई, महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अच्छा समझ में आ गया, हम पकड़ लेते हैं। अच्छा आप पढ़िए, समय कम है, अगर सूरज डूब जाएगा तो शूटिंग नहीं हो पाएगी। सरकार कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर हम उस मशीन में हम फोटो नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगा, तो सरकार ले फोटो। हाँ तो अभी उपदेश हो जाए सरकार, वो तो पढ़ लेंगे बाद में, हम पढ़ लेंगे बाद में, मैं पढ़ लेंगे। अच्छा तो सुना सुना तो क्या बताओ मैं आपके। एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी तो आपने बताया था ईश्वरलीन, ईश्वरलीन है तो वह ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या सुन, ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी हैं, अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन कर रहे सब हम लिखल हुए। अच्छा सुन, तो यानी अवस्था कोई हमारे यहाँ पूछे तो बता दे ईश्वरलीन। हाँ ईश्वरलीन है। हाँ एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते, इसका क्या कारण है? सुना, अरे भाई ये पुलिस है, ये ना है बिनशाला है, कायदा है, और मामला ये है कि योग में वो ध्यान खींचते हैं, उद्यान बंद, तो उद्यान बंद होने रह क्या है तो जरा इससे आसान है भी, कोनो प्रश्न खास तो है नहीं। वस्त्र वस्त्र का अवस्था पूछा तो ईश्वरलीन बताया, और वस्त्र में देख सुन दल में छला है। हाँ तो इतनी ठंड होती है, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं? तो मामूली की यही का पूछा था, ये कोनो प्रश्न है, ये बेकार का बात है। हाँ यह में कोई विशेषता नहीं है, अवस्था जो पूछा तो बता दिया ईश्वरलीन अवस्था। और एक सृष्टि मयम बीज मेका मुद्रा से खेचरी, एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोमय। खेचरी मुद्रा होता है वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उससे अवस्था बढ़ जाती है। खेचरी मुद्रा दर्शन कराए जी कि नहीं पिछली बार?
जी बाजू में चल जाए कपाल कुहर देखे है तब वह समझ कर हाँ वो खेचनी मुद्रा है सिद्ध खेचनी का महिमा है। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन है तो बता दिया सब। पतंजलि योग तो ये है, अष्टांग योग सिद्ध, हाँ लहर। आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी, लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है, और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। लाइन है योग है, अरे हरी है सुन, रात चलावे सूर्य को दिन चलावे छंद, अशो योगी भरपूर है लहर अमर पर सोए, रात के समय में सूर्य स्वर चलावे और दिन में चंद्र स्वर चलावे, दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहेगा और रात में सूर्य स्वर चलावे, गहने फूट कर नाश्ता के सूर्य स्वर कहते हैं तो उससे शरीर में गर्म रहता है। ये हमको बताया नहीं देगा सूर्य चंद्र चलावे का, सुनी के का करी कुछ जान सीखी ले तो अच्छा है। तो कोई कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या? अरे बताने जैसा शर्मा चले लगी नाई, जैसे आपके दाहिना नासिका है इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये जो है इंडा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ी होते हैं, तो इंडा और पिंगला सूर्य और चंद्र होते हैं, बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। जैसे दिन में बाया नाड़ी चलावे जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं तो उससे शीतलता रहता है, और रात्र को सूर्य नाड़ी चलावे तो उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जो भी लोग चलावे सूर्य को दिन चलावे छंद, असो योगी भरपूर है लहे मर पर सोए, जो भी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं उससे जो है अपना के दर्शन विधिवत किए गए विधिया कर विधिवत जी कर पाए जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं नहीं जिभा पलट के कपा है जी जी वो तो दिखा। अच्छा अच्छा, अब जब ये जो है सिद्ध हो जाएगा नाड़ियाँ तो जी हाँ तो बर्फ पे बैठ जाए तो बर्फ में अंदर धंस जाए, बर्फ पिघल जाए, वो ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, ये सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है, अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने शरीर से पसीने छल छला जाते हैं, ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को बर्फ में किया जाता है। यही बात, अभी चीज बढ़िया बढ़िया। अच्छा आपकी अवस्था ईश्वरलीन है, इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? बस सुना अष्टांग योग यानी ईश्वर में योगी, अयोगी में ईश्वर, अब बस वह ईश्वर लीन है, बस यथन है। तो क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? अरे क्रिया तो बताया गया, महामुद्रा महाबंध है महाबेघस्य खेचरी उद्यानम मूल बंधस्य बंधो जालंधराभिधा करणी विपरीता क्या बज्रवली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दस्कन जरा मरण नाशन भी है। क्रिया ये सब क्रियाएं हैं, दस क्रियाएं। अच्छा बाबा जी आप भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धात प्रपोषणम मनोभिलस्तम योगम योगी भोजन माचरे खेचरी बाबा का काम। जैसे आपका खेचरी मुद्रा है कि बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है, जिह्वा को कपाल कुंवर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ से अमृत पान होता है, लार जैसा अमृत स्रव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है, और उसको पान करके जोगी वर्षों वर्षों सालों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं, और वो स्राव लगातार चलता रहता है जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें उस मुद्रा का? बिल्कुल, आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको, लेकिन दर्शक अगर इसको उसका दर्शन कर सकें। महाराज जी बताते हैं कि ये जोग जो हैं ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया, बाकी गुप्त रखे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, जनता के लिए उपदेश ही काफी है इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाएगा। अच्छा भाषा नहीं, ये कायदा
एक बात जानने के लिए बाबा जी सब इच्छुक हैं, उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं, हाथ से नहीं, इसका क्या कारण है? अब कोनो कारण नहीं है, चरण में तीर्थ है। कोनो पूछे कि तो बता दी है, चरण में तीर्थ है। हाँ, और आप धरती से इतना ऊपर रहते हैं, इसका क्या कारण? अब बता दिया, इसका कारण यही है कि यानी जैसे सुराज्य धार्मिक देश शुभेच्छे निरुपद्र धनु प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल वर्जिते, यानी शिला और अग्नि और जल से चार हाथ ऊपर रहना प्रमाण। आपको दिनचर्या है भारत का कल्याण करना, भारत उन्नत पर जाएगा। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? जीवन है जीवों पर दया करता रहे, और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे, मनन करे। महाराज की लीला है, कौन जाने क्या हो गया जी। क्या होना चाहिए? यानी हमारा जो है योग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन है, भारत कल्याण का चिंतन हमारा है। हाँ महाराज, एक बात और बताते हैं, हमारा आशीर्वाद है भारत उन्नत पर जाएगा। भारत में गोहत्या के लिए कि गोहत्या पर रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए, जिससे कि देश में शांति आ जाए और जनता का कल्याण हो, बुद्धि शुद्ध हो सबका। और जो गोहत्या हो रही है इससे जो है देश में बहुत कष्ट और आतंक फैलेगा, इससे जो है धरती पे पाप बढ़ेगा, हत्या न हो, ऐसा ना होना चाहिए। बाबा जी, इसमें जो श्री राम मंदिर की बात है अयोध्या में बनने की, उसके कारण दंगे फसाद होने का डर है। वह ऐसे कायदा विचार किया जाएगा कि जिससे दंगा न हुए, प्रेम से हो जाएगा। ये कैसे संभव हो पाएगा? हमारे बहुत से मुसलमान भक्त हैं, वो भी सहयोग देंगे। बात हुई है किसी से क्या बाबा जी? सुना अभी एक ठेका का है कि बताया जाए, अब एक आदमी तो है नहीं, ये हमें कितने लाख भक्त हैं हमारे, तो उसमें एक बात का क्या है संबोधन यही पर हो गया। अरे वैसे तो सुना, पहले ही से देखो तुम बच्चे हो, समझोगे नहीं। जाकर हुसैन आज हमारा दर्शन करते थे, एहतराम अली लखनऊ के नवाब रहे दर्शन करते थे, खलील अहमद आज यानी उड़ीसा के गवर्नर रहे सब दर्शन करते थे, तो जो प्रमुख प्रमुख जीव है सब दर्शन करते ही थे। क्या समझा जी, कई प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते रहे। सुना अभी जो है यानी जैसे अरब में एक कतार मुल्क है, मालूम है ना जी, जी। तो कतार के राजदूत यानी अली हसन है, वो भी दर्शन कर गए और बड़े प्रेमी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, तो जो है ही है यानी दिल्ली में, उसे दर्शन कर गए। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रसाद तो हमारी बहुत पुराने भक्त हैं। कब? और राजीव गांधी भी आते रहे? राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है, उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई, ये कर का ठेका ले स्वभाव। और राष्ट्रपति सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते रहे। हाँ, मोती जवाहर सब हमारे प्यारे आत्मा। हाँ, तो जब ये राजनीतिज्ञ आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं और क्या लेके जाते हैं? अरे अगर कुल बतावल जाए यही अखबार में छापा तो सुना। अरे आते हैं, भारत है यानी मैं यानी भारत का हूँ, तो भारतीय लोग जो हैं वो हमारे दर्शन में अजय करेंगे। हाँ, कृष्णचंद्र पंत जो कि पहले रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि एक बार वो आपके दर्शन के लिए आए थे सन 77 में, तब आपने उन्हें आदेश दिया था कि इंदिरा गांधी से कहो कि वो आके दर्शन कर जाएं, कुछ कहना है, और वो नहीं आई थी और फिर चुनाव हार गई थी, क्या ये बात सही है? अरे सुना ही कुल नहीं डाले थे। अरे देखो, यानी दर्शन सभी करते रहे और चुनाव हार बार जाने के बिल्कुल नहीं कहे चाहिए जो भी है। अरे जो हो गया, राम राम है, हार जीत तो लगा रहता है। हाँ, महाराज का उपदेश है, ये हार जीत तो ये संसारिक खेल है, संसारिक और लगा रहता है, यानी हमारा दया।
महाराज ने जिनके ऊपर आशीर्वाद कर दिया उनका परलोक सुधर गया, लोक सुधर गया। जैसे राजीव गांधी हैं, भक्त बूटा सिंह हैं, यानी भक्त राजीव हैं, भक्त राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा बूटा सिंह, सब पर हमारा दया है। राजा विश्वनाथ हमारा प्यारा आत्मा है, और यानी ये अटल बिहारी वाजपेयी हमारा प्यारा आत्मा पुराना भक्त है, सब अपने ही तो हैं। तो ऐबे करिए, दर्शन करबे करिए, जब मनवा माई जाएगी कैसे तू आ गया, वैसे वो आ गए सब। आपका उपदेश है क्या कि जो बाकी लोग हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं या और अवस्थाओं में हैं, वो भी जैसे आप योगी हैं सन्यासी हैं वैसे ही बाकी सबको होना चाहिए कि सबको नहीं होना चाहिए? अरे सब जब करण था कर्म कांडी भी चाहिए। हाँ कर्मो करे रहे सब योगी नहीं हो जाएगी, कर्मो करी। तो क्या लक्ष्य हमारे राम रूप भक्त है तो वह कर्मे न करते। हाँ राम रूप हमारा प्यारा आत्मा है तो कर्मे करते हैं बिचारे, तो लोगों का हमारा ध्यान। हाँ तो किन लोगों को योगी होना चाहिए, किन लोगों को गृहस्थ आश्रम? एक बात हो गई बाप, जिसका संस्कार है, अगर भाग्य संस्कार रहा अनेक जन्म संस्कृत तत्व जाति परांग, अनेक जन्मों का पूर्ण फल उदय हुआ, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। अच्छा ये अरे सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा, सही फल कर फल दर्स तुम्हारा, सही प्रयाग सुभाग्य हमारा। तो यह यानी अनेक जन्मों से हजारों जन्मों के पूर्ण फल से यानी जोग मिलता है। अब धर्म से विरति जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। बच्चा यानी धर्म से विरति जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना, तो खाद्यते न च कालेन, बाध्यते न च कर्मणा, साध्यते न च केनापि, योगी युक्त समाधिना। महामुद्रा महाबंध महाबेधश्च खेचरी, उद्यानं मूलबंधश्च बंधो जालंधराधिपम्, करणी विपरीताख्या वज्रौली शक्ति चालन, वज्रौली शक्ति चालनम्, इदं हि मुद्रा दस्कं जरा मरण नाशनम्। खाद्यते न च कालेन, बाध्यते न च कर्मणा, साध्यते न च केनापि, योगी युक्त समाधिना। तो जब सर्वं द्वंद्वैवैकं जीवात्म परमात्मनः समस्त नष्ट संकल्पः, समाधि साविधीयते स्वरूप शून्य में समाधि। तो न गंधं न रसं रूपं, न च स्पर्शं न निस्पनम्, नात्मानम न परस्वम च, योगी युक्त समाधिना। तो सब ठीक है, बंद कर में वो क्या जरवा यही में लगाए रह गए विधवा भर। कि इस समय सद्भावना हिंदू और मुसलमान के बीच और सभी संप्रदायों के बीच सद्भावना बनाए रखने के लिए आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? हमारा उपदेश है जीवों यानी सारे जीवों में भगवान का निवास स्थान समझकर सारे जीवों से प्रेम करना चाहिए। उनको सरकार उपदेश हो जाए जैसे प्राय धन कुनना। हाँ यानी जननी समझाने पर नारी, धन पराय दिखते दिख भारी, पर स्त्री को माता समझे, पराया धन जहर के तुल्य समझे। यह सरकार वो भी उपदेश हो जाए कि मिट्टी से हाथ शुद्ध करे, पराय धन को जहर के समान समझे और ये सब। हाँ जननी समझाने पर नारी श्लोक बद्ध जो है श्लोक बद्ध यानी दिखा दिखं किं विषया समस्ता, अदुखी सदा को विषया निरागी, दिख से भारी विष क्या है कि सारे विषय भोग, अदुखी कौन है जो सदा विषयों का निरागी है। और यानी यह विद्या क्या चीज है, विद्या क्या चीज है,
जो भगवान का चिंतन होता है, यानी मैं देह हूँ, यही अविद्या है, और मैं देह नहीं चैतन्य आत्मा हूँ, यही विद्या है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या ही का ब्रह्म गति पर लाया, विद्या वही जो भगवान से साक्षात्कार हो जाए, विद्या वही है जो भगवान का दर्शन हो जाए। हाँ, एक साधारण एक साधारण मानव के लिए ये कैसे संभव है? साधारण मानव का प्रश्न छोड़ा। मानव कहते हैं गांधी, बुद्ध, महावीर, ये सब का उपदेश सरकार देते हैं, तो उनको यही उपदेश हो जाए सरकार उसमें। अरे सुना, यानी 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 जितने संत हुए हैं, संत का लाइन यह है कि संत सोई जो काया साध है, तज आलस और बात विवाद है, गहे धारणा सब गत भारी, तज विकलता अस्तुत गारी, क्षमावंत धीरज को धारे, पांचों बसकर मन को मारे, त्याग झूठ साच मुख बोले, चित स्थिर इस रूप डोले, तन जग में मन हर के पासा, लोक भोग सुन सदा उदासा, जब सोवे जब शून्य में, जब जागे हरि नाम, आज जब बोले तो हरि कथा, भक्त करे निष्काम। यही भक्ति क्या है कि तदर्पिता अखिलाचार्यता, तद विस्मरण परम व्याकुलता, अपना संपूर्ण कर्म धर्म भगवान को अर्पण कर दे, थोड़े देर के लिए भगवान भूल जाए, तो उन्हीं भगवान के लिए परम व्याकुल हो जाना, यह भक्ति है। भक्ति का महिमा भारी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभी न हर कृपा न पावे प्राणी। हाँ, भक्ति खूब होता रहे, ज्ञान वैराग्य सब भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, अशो प्रभु मैं देखो भरी नैना। तो यह ज्ञान विराग का बहुत बड़ा महत्व है। रीते ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान ही से मुक्ति होएगा, भक्ति से मुक्ति हो जाएगा। तो यह वैराग ज्ञान योग प्रेम तप, यह पांच चीज होना चाहिए भगवान के प्रेम के लिए। होना तो चाहिए यह पांच, अगर पांच न हो सके तो एक को दृढ़ करके भजन किया जाए तब भी बेड़ा पार है। हाँ, अरे फला उपदेश तो वही है, आप कहा चाहिए। इसमें सबसे सहज और सबसे उत्तम मार्ग कौन सा होगा? वह राम नाम जप है, और कौन मार्ग? राम राम। हाँ बाबा जी, आपके दर्शन के लिए बहुत से भक्त आते हैं। प्रेम समेत गाँव गुण ग्राम है, सो भव तर कर संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कल नाही। हाँ कहा, आपके दर्शन के लिए बहुत से भक्त आते हैं। अच्छा, वो अलग अलग लालसाएं लेके आते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और आपका आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप आशीर्वाद जब देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? और अगर मान सारे जीव का यह आशीर्वाद है कि यानी पाप ताप छोड़ के ईश्वर का भक्ति करो। हाँ, एक उपदेश है, जैसे मिर्चा है और गन्ना दोनों पास में लगे रहते हैं, और वर्षा आकाश से दोनों पर ही होता है, एक ही वर्षा दोनों पे बरस रहा है, एक ही जल दोनों पे, लेकिन मिर्चा जो है वो तीता होता है और गन्ना जो है मीठा होता है। तो ये अपनी अपनी भावनाओं के ऊपर है, जैसे आशीर्वाद लिए आपके मन में कुछ और भावना है, संस्कार है, भाग्य है, भावना है, भक्ति है, भाव है, इसके अनुसार आशीर्वाद भी काम देते हैं। आशीर्वाद तो सभी जीवों पर है महाराज जी का। नहीं, भावना जैसी और हर मुहूर्त देखा तो तैसी, अलग अलग भाव। मन से सकल वासना भागी, केवल रामचरण लो लागी। एक बार खड़ा होकर सरकार उसने आशीर्वाद दे दिया तो हाँ हाँ खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, जब हिंदू मुसलमान हमारे ही है तब हमें झगड़ा का तब हाँ बच्चा गया। अरे ये सब जब हम बोल गए वह पसिया में छपक गए। हाँ हाँ वही उसे तुम्हें पसिया से बड़ा मदद दी। हाँ महाराज आशीर्वाद कर रहे हैं सबके कल्याण के लिए। अब जा, मोटर है यही ना जी, मोटर पर बैठ ले, अब जा।
अब जब जब इच्छा हुई दर्शन करते रह तो हर का आश्रम है, तुम्हें कहा है तुम्हारा का आश्रम है। हाँ, और वह डाल दिया वो हमें कि हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख यानी सब बाबा के प्यारे आत्मा और बाबा सबके हैं और सब बाबा के हैं, यह डाल दिया। और यानी यह जो अयोध्या का जो मंदिर बनने वाला राम मंदिर वो सब प्रेम पूर्वक बन जाएगा, उसमें हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सब सहायता करेंगे, सबका सहयोग रहेगा। हाँ जा जा गया गया हाँ बचवा ले ले गया। राम नाम का रगन बढ़ेगा तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सब लोग को प्रसाद एक बार अवश्य सबको चलते जाओ, हमें आपके आशीर्वाद चाहिए बाबा। हाँ बच्चा आशीर्वाद है, दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, एक लकड़ी हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय पर बारंबार राम नाम का रगड़ पड़ेगा तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वक्त कई बजा है
मानना चाहिए, चतुर होना चाहिए, राज करना चाहिए। यानी हाथों में अभी आ जाइए साहब, आ जाइए आप लोग बाबा जी। भारत आज एक राजनीति के नए मोड़ पे खड़ा है, ऐसे में लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि भारत की राजनीति में क्या कमी आ गई है। और पीछे में एक बिस्ता हो जाएगी ललाट पर मोर दृष्टि पड़े तो बताई जी जी। अब कोई हर्ज नहीं ना है जी जी जी। अच्छा पूछा बताई, भारत की राजनीति में क्या कमी आ गई है नेताओं में, राजनीति में, जो कि दूर होनी चाहिए। सुना भारत पर हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा और ऐसे सारे विश्व कल्याण पर हमारा चिंतन है, विश्व कल्याण पर हमारा चिंतन है और भारत उन्नत पर जाएगा। ये सरकार पूछते हैं कि भारत में क्या ऐसा चीज हो गया है, क्या बात हो गया है जिससे ऐसा हो रहा है। वही को सुना यानी यह यानी गाय का जो वध है यही पाप के वजह से अशांति,
यानी भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान होके काहे खड़ा के लिए बैठाए है वहाँ, वो कौन आत्मा राजी है आत्मा। अच्छा राज, यानी भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है, और रोम रोम में देवताओं का वास है, और अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये बसते सदा, आठ ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। तो बाबा जी, जो लोग गाय का वध करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? सुना, यानी उपदेश कर लिए, और जिससे गाय का वध न कर सके, हाँ, उनको उपदेश कर लिए कि जिससे गाय का वध न कर सके, हाँ। अगर वो लोग न माने उपदेश से, तब प्रयास करे यानी कि गाय का वध न हो, हाँ, प्रयास कर। बाबा जी, राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने उसे रोका, तो ऐसे में किसने कैसी भूमिका निभाई? क्योंकि राजीव गांधी भी आपके पास आए थे और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आपके पास आए थे, तो किसने सही काम किया, किसने गलत? यानी राम जन्मभूमि के संबंध में, यानी राजीव गांधी का सिद्धांत भी अच्छा है और सबका सिद्धांत अच्छा है। विश्व हिंदू परिषद तो मंदिर बनाने जा रहा था, लेकिन राजीव गांधी ने रोक दिया। सुनो, वो रोका नहीं है, कायदे से बन जाएगा। राजीव गांधी ने आपसे आश्वासन दिया है कि वो बनवाएंगे? सुना, वो मंदिर बन जाएगा, हाँ हाँ, ये में संदेह नहीं। सुनो, मंदिर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। राजीव गांधी बनवाएंगे? सुना, जब हम कई बार इस तरह बताया और तू समझ ही न पावा तो हम का कहें। अरे सुनो, हम बताता है मंदिर अवश्य बनेगा, हाँ, लेकिन बाबा जी कौन बनवाएगा? सुनो, अरे सुनो, यानी सुन, इसमें मंदिर बनने में सबका सहयोग है, हाँ, क्या समझे? हाँ, और दो मंदिर और जिनकी बात है, कृष्ण जन्मभूमि की मथुरा में और काशी विश्वनाथ की बनारस में, उसके बारे में राजीव गांधी ने कुछ बात कही क्या? सुना, कुल अभी बात में करा, एक बार कुल गठरी बांध के न ले जा, फिर आया अभी अयोध्या के चले गया, तो बाद में फिर आया हमसे पूछा, एक बार बड़का गठरी बांध ले बा, उठबे नहीं करी तो। जी जी, हाँ। अच्छा, राजीव गांधी ने कुछ आश्वासन दिया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया? व्यर्थ का बात कर, राजीव गांधी बड़ा अच्छा आत्मा है, हाँ। हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी। और विश्व हिंदू परिषद? हमारा प्यारा आत्मा विश्व हिंदू परिषद। महाराज बताते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो कार्य कर रहा है हमारे आदेश और आज्ञा से कर रहा है, इसको अपने मुंह से कह दें, विश्व हिंदू परिषद जो कार्य कर रहा है, हिंदू विश्व परिषद जो काम कर रहा है हमारे आज्ञा से कर रहा है, तो उसमें अगर कोई विघ्न डालेगा तो गलत? विघ्न उघ्न कुछ ना है, वो हमें विघ्न है ये नहीं। सुना, सब हमारे हैं और मैं उनका हूँ, राम मंदिर में बनने में कोई विघ्न न करेगा। लेकिन बाबा जी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले कहते हैं कि वो नहीं बनने देंगे मंदिर। सुना, जब हमने सलाह बोली बोल दिया तो कहेगा बात बढ़ावत है, वही में सब आ गया, हम कह दिया कुछ छोड़ा है नहीं, यानी फिर हम जो हरा देते।
हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब हमारे और मैं उनका हूँ। देखो सुनो, अब बताता हूँ तुम्हें, ये अखबार में घोषित न हुई तो सुना, यानी राष्ट्र पर जाकर हुसैन हमारे भक्त रहे और उड़ीसा के चीफ जज यानी खलील अहमद हमारा प्यारा भक्त रहा, खास प्यारा आत्मा रहा, और लखनऊ के नवाब एहतराम अली हमारे भक्त रहे, अनन्य भक्त। तो हमारा जो है, और सुनो, आज दिन यानी देश विदेश हमारा दर्शन करता है। देखो अमेरिका यानी ये जो अरब में एक कतार है, जानी है जी जी, तो वो अरब के भेष बनाते, उनका नाम यानी अरब मैंने कतार राज अपना बना लिया वही में जी। तो उनका नाम अली हसन है और दिल्ली में रहते हैं, वो भी हमारा दर्शन किए, सब प्रेमी है, बड़े अच्छे हैं। आपके सालवे हैं वो भी दर्शन करते हैं, सालवे भी दर्शन करते हैं, बूटा सिंह भी तो आए थे, बूटा सिंह दर्शन करते हैं, राजीव गांधी हमारा प्यारा आत्मा है ही, और सब जतने हैं सब पर हमारा असीम दया है। और सुना, अब बिचुआ में छेड़ देगा तो हम उपदेश न कर पाए, और जितना विश्व है विश्व कल्याण पर हमारा ध्यान है, और हमारा संदेश यह है, वो कगदा ले चाहे राम जन्म भूमिया वाला और जौन है वह लाइक रह देता, क्या समझा जी, इसको पढ़ते लिखते कुल कायदा करते, सुना समझा नहीं जी। तो देखा सुना, ये सारे जीवात्मा जो हैं और जितने राष्ट्र हैं, यानी किसी को झगड़ा रगड़ा करने में कोई लाभ नहीं, सबको झगड़ा वगड़ा को त्याग करके सब प्रभाव से असम में स्नेह कर, यही मेरा संदेह। हाँ, यह चीन अमेरिका रूस फ्रांस जितने इंग्लैंड राज्य हैं, ये सब जितने मुल्क हैं सारा विश्व पर हमारा दया है, ध्यान है और आशीर्वाद है, कोई झगड़ा लड़ाई न करे, सब मित्र भाव से रहे। हाँ बाबा जी, विश्व हिंदू परिषद को आपका आशीर्वाद प्राप्त है हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर प्रयास। सुना, यानी यह राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र पहले ही से है, यानी इसमें जो है रामकृष्ण अवतार हुए और वो लोग यानी हिंदू के अवतार ली, मैंने भाव राजा दशरथ यानी और इधर वसुदेव जी दजा हो जा बेचारे के पहले दोनों कगदा दजा। हाँ बच्चा सुनो, तो भगवान राम और कृष्ण का अवतार जो हुआ तो हिंदू जाति ही में हुआ, तो हिंदू जाति के ये तो यह देश है हिंदू का है। हाँ, और इसमें जो बाकी जातियां हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए? उन पर सब पर प्रेम करना चाहिए। हाँ, बाकी जात सब पर सबको से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हाँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर बनने में विघ्न डालते हैं, हमारा आशीर्वाद है कि उन्हें विघ्न डाली। हाँ बाबा जी, आज एकाएक ये देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन ये एकाएक देखने में आ रहा है, इस बीच में कई साल से ऐसी बात नहीं थी, तो एकाएक ये कैसे हुआ, क्या बात है? तू यसना डंडा लेके घूमत बाजा और अब ही यसने न जाना, आप बताएं, आपके मुंह से सुना है ना, हमारे मुंह से कहा सुनबा, अब ही यसने न जाना, तो तुम्हें कहा जाए, कुछ तो बताए, कुछ बताएं है, ले आओ अखबार पढ़ाओ, अखबार पढ़ो, अखबार के जीव है अखबार से बनना, आप जो उपदेश दे रहे थे ना, दो लकड़ियों के रगड़ से, रात दो लकड़ी छोड़ा तू अखबार पढ़ा, आ सुना, जनसत्ता ने निकाला है, है अंग्रेजी है नहीं हिंदी है, अंग्रेजी वाला दे दे, अंग्रेजी वाला सरकार कठिन पड़ेगा, हिंदी वाला जल्दी पढ़ा, हिंदी पढ़ेगी, एक बिता और पीछे हो जाए।
हाँ पढ़ा जोर जोर से। ये सब कुछ देवराहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ। सब है बतवाकात है और खा कर आ जाए जी। पढ़िए पढ़ा बच्चा। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई दिल्ली द्वारा आज पढ़ा ऊपर जी। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में ऊपर से पढ़ा अच्छा अच्छा जी। सब कुछ देवराहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ। हाँ राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई दिल्ली में भी नहीं किए गए, बल्कि सब कुछ वृंदावन में देवराहा बाबा के आश्रम में तय हुआ। देवराहा बाबा ने ही विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को निर्देश दिए। पिछले हफ्ते 1.5 घंटे की बातचीत के दौरान उन्होंने राजीव गांधी को भी निर्देश दिए। इसके बाद भी राजीव के दूत लगातार बाबा के संपर्क में रहे। अयोध्या में वही हुआ जो इन बैठकों में तय हुआ। तो आपने राजीव जी राम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधक न्यासी अशोक सिंघल ने जनसत्ता से बातचीत में माना कि देवराहा बाबा एक धार्मिक महापुरुष हैं जो हमारे हर कदम का मार्ग निर्देश करते रहे हैं। बाबा ने 6 नवंबर को राजीव गांधी से कहा कि उन्हें मंदिर निर्माण की विश्व हिंदू परिषद की मांग का समर्थन करना चाहिए। बाद की घटनाओं से साफ है कि गांधी ने वही किया जो बाबा ने उनसे कहा, तो लेकिन उन्होंने पूरी तरह तो किया नहीं। कमजोरी तो हार है लेकिन गड़बड़ है। और शिलान्यास के पहले दिन बाबा ने शिलान्यास स्थल बदलने का सरकारी सुझाव ठुकरा दिया। वैसे विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता भी इसके लिए तैयार हो गए थे। सरकार शिलान्यास स्थल को प्लाट नंबर 587 में स्थानांतरित करना चाहती थी। इस जगह पर कोई विवाद नहीं है, यह जगह मूल स्थल से कोई 7 गज दूर है। 5 नवम्बर को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा करवाने के लिए इलाके का दौरा किया। प्लॉट रामकृपाल दास के पास लीज पर था। उन्होंने मंदिर के लिए अपनी जमीन देने की पेशकश की थी। वहां एक नहान घर और एक दीवार बनी हुई थी जिसे शिलान्यास की जगह बनाने के लिए तोड़ा जा चुका था। 6 नवंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर पूछा कि क्या प्लॉट नंबर 586 विवादास्पद जमीन में आता है। विश्व हिंदू परिषद ने बाद में वहीं राम मंदिर शिलान्यास का समारोह किया। अगले दिन यानी 7 नवंबर को अदालत ने साफ किया कि यह प्लॉट विवादास्पद जमीन में आता है। सरकार को अगर इस प्लॉट की वही स्थिति का पता था तो उसे बात अदालत से पूछी क्यों? उसने बात अदालत से पूछी ही क्यों? प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि इसकी एक वजह यह थी कि शिलान्यास की जगह बदलने के लिए कानूनी दबाव बनाया जाए। अगर विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तैयार हो जाती तो कोई समस्या ही नहीं थी। शिलान्यास महायज्ञ और शिलान्यास भी गैर विवादास्पद जमीन पर आराम से संपन्न हो जाते और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी उस जगह पर शिलान्यास करने में कोई एतराज नहीं होता। इस तरह सरकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को खुश कर लेती और इन दिनों उनकी खुशी का मतलब है वोट। इस सरकारी पेशकश से विश्व हिंदू परिषद के नेता बंट गए थे। इस बारे में परिषद और सरकार के बीच बातचीत आगे बढ़ने के साथ ही बाबा ने अशोक सिंघल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक SC दीक्षित से वृंदावन आकर उनसे मिलने को कहा। श्री दीक्षित वहां गए। श्री सिंघल कहते हैं देवराहा बाबा ने साफ साफ कहा कि हमें शिलान्यास तय जगह पर ही करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी भी वहां शिलान्यास करने की बात मान लेंगे, पर तभी यथा स्थिति बनाए रखने का अदालती आदेश आ जाने से भ्रम पैदा हो गया। परिषद के नेता सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी में लग गए, लेकिन जनता की नाराजगी के आगे अदालती निर्देश कहीं खो गया। यही वजह थी कि सरकार ने शिलान्यास को रोका नहीं। 8 नवंबर को हालात बदल गए और शिलान्यास की पिछली रात को सरकार ने नई दिल्ली में बयान जारी किया कि वह प्लॉट तो विवादास्पद है पर शिलान्यास की जगह विवादास्पद जमीन के दायरे में नहीं आती। यानी सरकार ने परिषद को मन मर्जी से काम करने की छूट देना तय कर लिया था। मकसद यह हवा फैलाने का था कि शिलान्यास सरकार की बदौलत हुआ है, परिषद की बदौलत नहीं। जब शिलान्यास समारोह शुरू हुआ तो श्री दीक्षित हिंदुओं और परिषद की जीत की घोषणा करने माइक पर गए। उन्होंने कहा, आपकी ताकत की वजह से ही प्रधानमंत्री को देवराहा बाबा के सामने घुटने टेकने पड़े। श्री सिंघल कहते हैं कि बाबा ने जो कहा उसे पूरा कर दिखाया। एक और नेता ने कहा, जनवरी में भी हम वही फैसला करेंगे जो बाबा कहेंगे। तब तक विवाद का मुद्दा यह रहेगा कि शिलान्यास के लिए हिंदुओं ने सरकार को मजबूर किया या सरकार ने खुद हिंदुओं को यह भेंट दी। अब आप बताइए कि क्या है बात। आप बताइए महात्मा। अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते? जी जी।
वो एक ही संजय सूरी दोनों संजय दोनों हो गई अंग्रेजियों में इंडियन एक्सप्रेस जी मैं जानता हूँ है जी मैं जानता हूँ जाने हो जी जी इंडियन एक्सप्रेस हाँ बस वो जाने थे और सुना और सुना जी तेरी एक बिस्तावर रहा कि ललाट पर तुम्हारी दृष्टि पड़े जी एक बिस्तावर हो जाए ललाट पर दृष्टि पड़े तुम बुद्धि बढ़िया हो जाए हो गया तू भगत है आप बुद्धि बाहर को बढ़िया पूछा तो बताई हाँ तो आप बताएं कि क्या बात सही है यानी हमारा आशीर्वाद है और क्या बताएं कि कौन कौन आपसे मिलने आए फिर आपने क्या क्या कहा ये कुछ बताइए हमारे यहाँ मिलने वाले की गिनती नहीं है और सरकार इसमें राजीव गांधी बूटा सिंह विश्व हिंदू परिषद इन लोगों में से नहीं देखिए विश्व हिंदू परिषद वहाँ जाकर महाराज जो उपदेश दिए थे वो कागज वही जो सीरियस भगत को उपदेश हुआ था वहाँ छपवा कर उसके दिए बोल दिया बस जा यही जा पढ़ा भाई हाँ यही जा पढ़ा भाई यहाँ थे आज तक पढ़ भाई पढ़ महाराज जी ने ही उपदेश दिया कि काल रुकना नहीं चाहिए हाँ बोल कर पढ़ लीजिए श्री राम जन्मभूमि की आंधी न रुके सारे देश की आंधी अयोध्या में आवे इसी आंधी वो कगदाली है अच्छा ठीक है ओके हाँ पढ़ा अच्छा नहीं भाई श्री राम जन्मभूमि की आंधी न रुके भक्त तो प्रसन्न होंगे और इसमें हमारे मुंह से सुनेंगे तो वो बात नहीं होगी हमारा आशीर्वाद मंदिर भगवान का बनेगा अयोध्या में हाँ आशीर्वाद भगवान का मंदिर अयोध्या में बनेगा हमारा आशीर्वाद है इसमें कोई संदेह नहीं अच्छा आज की राजनीति के बारे में थोड़ा सा बता दें बाबा जी कि आज की राजनीति में कोई त्रुटियां आ गई हैं कोई कमियां आ गई हैं और अगर क्या हैं तो क्या हैं कैसे दूर हों सुना वो है गोरक्षा हो जाएगा तो सब कल्याण हो जाएगी हाँ गोरक्षा में ही सबका कल्याण है हाँ गोरक्षा में सबका भला और जैसे कुछ बेईमानी भ्रष्टाचार इस तरह कोई ना यानी गोरक्षा हो जाएगा तो कल्याण मती सिद्ध होगी हाँ तब बेईमानी वगैरह दूर होगी अरे भाई बेईमानी से मन का स्वभाव है मन का भगवान के चरणों में ध्यान धरे भगवान का और बेईमानी के जान ले कि इससे जो है हानि है यानी ईमानदारी वृत्ति अच्छा है हाँ बेईमान होना अच्छा नहीं ईमानदार होना अच्छा यह अरे तू पूछा धीरे धीरे बताए तू भगत है अच्छा अपने बारे में कुछ बताइए कि आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं लोगों ने सुना बहुत है पढ़ा है लेकिन आपको देखा नहीं है ये उन्हें एक अवसर मिलेगा आपको देखने का कुछ अपने बारे में बताइए तो आप बताना ठीक समझ क्या बताऊं हम हैं योगी तो क्या पूछा था सब बताइए अपने जीवन के बारे में बताइए कि कैसे आप योगी बने कब बने सुना यानी हमारा जो है ईश्वर लीन वृत्ति है और यानी यही आयु है अवस्था हमारा ईश्वर लीन है हाँ और महामुद्रा महाबंध महावेदरी उद्यान मूल बंधस्य बंधो जाल धराभिद करणी विपरीताख्या वज्रवली सत्य चालनम इदम ही मुद्रा दस्कं जरा मरण नाशनम हाँ अर्थात यानी जैसे तुम्हार जीवा है ना तो तू आदमी है और योगी इनके जीवा में तुम्हारे जीवा में भेद है योगी लोग जीवा को पलट के यहाँ कपाल कुहर मलये और कपाल कुहर मलये उससे अमृतत्व की प्राप्ति है और साधन मिलाएगी उससे योगी अपने इच्छा से शरीर न छोड़े तो अमर है हाँ आपकी अवस्था के बारे में लोग अलग अलग अनुमान लगाते हैं अलग अलग अनुमान लगे क्या वो है बढ़िया आप बताएं क्या अवस्था है बता दीजिए कि आदमी से भिन्न व्यक्ति सुना है ये खेचरी जो है ये पलाट के कपाल कुहर में ले जाया जाए तो वैसे अमृत पान हुई वैसे आदमी का यानी वृत्ति नहीं है एक पहर रोज योगी की अवस्था बढ़ती है और सुन यानी गुप्त बात है
सकता है, प्यास को रोके सिद्ध खिचड़ी का दर्शन हम करा सकता है, उकाव के डाले सुन तो। लेकिन लेकिन जम है फोटू डाले एक, हाँ सिद्ध खिचड़ी का दर्शन करा सकता है, ये गुप्त चीजें हैं। तो संत जी सेवक बुलाओ, सेवक बंद कर दे बाबा जी, बंद कर दे। ना ये तो रखे रहा, कहीं कुछ पूछना तो बताइए, तो रखे रहा तू भगत है यार, अरे तू भक्त जीव है रखे रहा, बताइए। अब बाबा जी आज के तो लोग आते चुप रहा, देखा इनके जेबा जिहुर के बूढ़ी नाचे कही के ताका जी बाहर कर भाई, देखा और ऊपर करा देखा एकदम चल जाई कपाल को हर में जेबा, हाँ मुंह में जेबा लौकी जाए, समझत है बच्चा भाई, थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा सा धीरज। अब गड़बड़ा गया तो हर स्वभाव जो है गजब हो गया। और वो कप्तान है मथुरा के, अरे वो दोनों को फोटो ले लिया, वो अब कैसे ही खड़ा हो जाए कि वैसे पड़े रह देगा, जैसे तुम कहा वैसे किया जाए। दीदी आप नहीं कर, अब मैंने अब खड़ा हो के आज्ञा दे दी, बच्चा खड़ा हो जाए, देखा और सुना सुना ये हरावा बच्चा है हरा, इनका नाम अशोक सिंघल है, और यह जो है भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीधा चल देखिए, हाँ ये कर लूंगा भाई पढ़ा तोड़ा करे, तो यह है देख लिया, हाँ इन लोगों को फोटो ले लिया, ले लिया फोटो, ले लिया सर, हाँ तो ले लिया तो सब ठीक है, ये नहीं का फोटो लिया बस ठीक, बस यह दुई का फोटो लेना और किसी का, हाँ दुई का फोटो ले। इनका नाम अशोक सिंघल है, इनका नाम यानी भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरज चंद दीक्षित, हाँ सब बड़े। और सुना हिंदू विश्व परिषद में ये काम कर रहे, इस वक्त रिटायर्ड होकर यही काम में है, समझा ना परिजन बाबा जी, इन्हीं से मिलकर चलाए थे आपके पास, ये नहीं जब मिल के आए रहा था प्रसन्नता में, गुहर कहाँ भाग गया तू आगमा चला, तू आगमा चला तब मिल के आए रहे थे, आज और मिल लिया देख लिया वही, तो अब प्रसन्नता आई तू है जी बाबा जी, हाजिरी आई भगा फिर सब बताए, तो अभी हम उपदेश किए तो उन्होंने सुना जाए लोग, आप जो रखे अभी नहीं कागज था जो अभी उतारा है वो सुना दे, अरे नहीं जी वो जो हमें मोहर से बोला है वो सुना दे, अच्छा वो तो वो बाबा जी सुना देंगे, वो अलग से सुना देंगे, हम लोग दिल्ली ही जाएंगे सुना देंगे। Jai Ram 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 Jai Ram
राम नाम का रगन बनेगा तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह। अब सब लोग को प्रसाद एक बार सबको प्रसाद चलते जाओ। हमें आपके आशीर्वाद चाहिए बाबा। हाँ बच्चा आशीर्वाद है, दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है, एक लकड़ी हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय पर बारंबार राम नाम का रगड़ पड़ेगा तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह। इस वक्त कै बजा है? दस बजकर दस मिनट में। अच्छा अच्छा धन्यवाद बाबा, आपका आशीर्वाद करो। हाँ सभी भक्तों के आशीर्वाद हो जाए। सब पर आशीर्वाद है, मस्तक जय सियाराम। जब तक चला आशीर्वाद हो गया, प्रणाम कर लीजिए। इंजीनियर इधर आगे बढ़िए, पत्रकार बोले की आशीर्वाद ठीक है।
जोर जोर से बोला, कहाँ से आगमन हुआ? अपना पुलिस वर्ग हो, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस सबको प्रसाद, हाँ सब भगत दर्शन कर लीजिए। हाँ बच्चा गया, आशीर्वाद है, चला मानना चाहिए, शत्रु होना चाहिए, राजकर्म चाहिए, और यानी हाथों में रखे आ जाइए आप लोग भी। अरे बाबा जी, भारत आज एक राजनीति के नए मोड़ पे खड़ा है। ऐसे में लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि भारत की राजनीति में क्या कमी आ गई है। थोड़ा और पीछे में एक बिस्ता हो जाए, ललाट पर मोर दृष्टि पड़े तो बताई। जी जी, अब कोई हर्ज नहीं ना है। जी जी, अच्छा पूछा, बताई। भारत की राजनीति में क्या कमी आ गई है, नेताओं में, राजनीति में, जो कि दूर होनी चाहिए? सुना, भारत पर हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा, और ऐसे सारे विश्व कल्याण पर हमारा चिंतन है, विश्व कल्याण पर हमारा चिंतन है, और भारत उन्नत पर जाएगा। ये सरकार पूछते हैं कि भारत में क्या ऐसा चीज हो गया है, क्या बात हो गया है जिससे ऐसा हो रहा है? वही को सुना, यानी यह यानी गाय का जो वध है, यही पाप के वजह से अशांति, यानी भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान होके काहे खड़ा के लिए बैठाए हैं वहाँ, वो कौन? आत्मा राजी है, आत्मा। अच्छा, यानी भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है, और रोम रोम में देवताओं का वास है, और अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये बसते सदा, आठ ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। तो बाबा जी, जो लोग गाय का वध करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? सुना,
यानी उपदेश कर दिए और जिससे गाय का वध न कर सके, हाँ उनको उपदेश कर दिए कि जिससे गाय का वध न कर सके। हाँ अगर वो लोग न माने उपदेश से तब प्रयास करें यानी कि गाय का वध न हो। हाँ प्रयास कर। बाबा जी राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने उसे रोका, तो ऐसे में किसने कैसी भूमिका निभाई? क्योंकि राजीव गांधी भी आपके पास आए थे और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आपके पास आए थे, तो किसने सही काम किया किसने गलत? यानी राम जन्मभूमि के संबंध में यानी राजीव गांधी का सिद्धांत भी अच्छा है और सबका सिद्धांत अच्छा है। विश्व हिंदू परिषद तो मंदिर बनाने जा रहा था लेकिन राजीव गांधी ने रोक दिया। सुनो वो रोका नहीं है, कायदे से बन जाएगा। राजीव गांधी ने आपसे आश्वासन दिया है कि वो बनवाएंगे। सुना वो मंदिर बन जाएगा। हाँ हाँ ये में संदेह नहीं। सुनो मंदिर बन जाएगा इसमें संदेह नहीं। राजीव गांधी बनवाएंगे। सुना जब हम कई बार इस तरह बताया तू समझी न पावा तो हम का कहें। अरे सुनो हम बताता है मंदिर अवश्य बनेगा। हाँ लेकिन बाबा जी कौन बनवाएगा? सुनो अरे सुनो यानी सुनिए इसमें मंदिर बनने में सबका सहयोग है। हाँ क्या समझे? हाँ और दो मंदिर और जिनकी बात है कृष्ण जन्मभूमि की मथुरा में और काशी विश्वनाथ की बनारस में, उसके बारे में राजीव गांधी ने कुछ बात कही क्या? सुना आई कुल अभी बात में खरिया एक कई बार कुल गठरी बाज के न ले जा फिर आया वही अयोध्या के चले गया तो बाद में फिर आया हमसे पूछा कई बार बड़का गठरी बाल ले बा उठबे नहीं करी तो। जी जी हाँ अच्छा राजीव गांधी ने कुछ आश्वासन दिया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया? का व्यर्थ का बात कर। राजीव गांधी बड़ा अच्छा आत्मा है। हाँ हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी। और विश्व हिंदू परिषद? हमारा प्यारा आत्मा विश्व हिंदू परिषद। महाराज बताते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो कार्य कर रहा है हमारे आदेश और आज्ञा से कर रहा है। आज्ञा से कर रहा है। हाँ इसको अपने मुंह से कह दें विश्व हिंदू परिषद जो कार्य कर रहा है। हिंदू विश्व परिषद जो काम कर रहा है हमारे आज्ञा से कर रहा है। तो उसमें अगर कोई विघ्न डालेगा तो गलत विघ्न कुछ ना है वो हमें विघ्न है ये सुना सब हमारे है और मैं उनका हूँ। राम मंदिर में बनने में कोई विघ्न न करेगा। लेकिन बाबा जी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले कहते हैं कि वो नहीं बनने देंगे मंदिर। सुना जब हमें सलाह बोली बोल दिया तो कहेगा बात बढ़ावत है वही में सब आ गया हम कह दिया कुछ छोड़ा है नहीं यानी फिर हम जो हरा देंगे हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब हमारे और मैं उनका हूँ। देखो सुनो अब बताता हूँ तुम्हें ये अखबार में घोषित न हुई तो सुना यानी राष्ट्र पर जाकर हुसैन हमारे भक्त रहे और उड़ीसा के चीफ जज यानी खलील अहमद हमारा प्यारा भक्त रहा खास प्यारा आत्मा रहा और लखनऊ के नवाब एहतराम अली हमारे भक्त रहे अनन्य भक्त तो हमारा जो है और सुनो आज दिन यानी देश विदेश हमारा दर्शन करता है। देखो अमेरिका यानी ये जो अरब में ये कतार है जानी है जी जी तो वो अरब के भेष बनाते उनका नाम यानी अरब मैंने कतार राज अपना बना लिया वही में तो उनका नाम अली हसन है और दिल्ली में रहते हैं
वो भी हमारा दर्शन किए, सब प्रेमी है बड़े अच्छे। आपके सालवे हैं वो भी दर्शन करते हैं? सालवे भी दर्शन करते हैं। बूटा सिंह भी तो आए थे? बूटा सिंह दर्शन करते हैं। राजीव गांधी हमारा प्यारा आत्मा है ही, और सब जितने हैं सब पर हमारा असीम दया है। और सुना बिचुआ में छेड़ दे बात तो हम उपदेश न कर पाए। और जितना विश्व है विश्व कल्याण पर हमारा ध्यान है, और हमारा संदेश यह है वो कगदा ले चाहे राम जन्म भूमिया वाला और हो जो उन्हें वह लाइक रह देता है क्या समझा जी? कुल पढ़ते लिखते कुल कायदा करते सुना समझा न जी। तो देखा सुना ये सारे जीवात्मा जो हैं और जितने राष्ट्र हैं, यानी किसी को झगड़ा रगड़ा करने में कोई लाभ नहीं, सबको झगड़ा वगड़ा को त्याग करके सब प्रभाव से सब में स्नेह करें, यही मेरा संदेह। हाँ यह चीन अमेरिका रूस फ्रांस जितने इंग्लैंड राज्य हैं ये सब जितने मुल्क हैं सारा विश्व पर हमारा दया है ध्यान है और आशीर्वाद है, कोई झगड़ा लड़ाई न करे, सब मित्रभाव से रहे। हाँ बाबा जी, विश्व हिंदू परिषद को आपका आशीर्वाद प्राप्त है हिंदू राष्ट्र बनाने की वो प्रयास? सुना यानी यह राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र पहले ही से है, यानी इसमें जो है रामकृष्ण अवतार हुए और वो लोग यानी हिंदू के यहाँ अवतार ली, मेरे भाव राजा दशरथ यानी और इधर बसदेव जी दजा हो जा बेचारे के पहले दोनों कगदा दजा। हाँ बच्चा सुनो, तो भगवान राम और कृष्ण का अवतार जो हुआ तो हिंदू जाति ही में हुआ, तो हिंदू जाति के ये तो यह देश है हिंदू का है। हाँ और इसमें जो बाकी जातियां हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए? उन पर सब पर प्रेम करना चाहिए। हाँ बाकी जात सब पर सबको से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हाँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर बनने में विघ्न डालते हैं। हमारा आशीर्वाद है कि उन्हें विघ्न डाली। हाँ बाबा जी, आज एकाएक ये देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए अपना योगदान देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन ये एकाएक देखने में आ रहा है, इस बीच में कई साल से ऐसी बात नहीं थी, तो एकाएक ये कैसे हुआ, क्या बात है? तू यसना डंडा लेके घूमत बाटिया और अब ही यसने नहीं जाना। आप बताएं, आपके मुंह से सुना है ना? हमारे मुंह से कहा सुनबा अब ही यसने नहीं जाना, तो तुम्हें कहा कहा जाए? कुछ तो बताएं, आए कुछ बताएं है, ले आओ अखबार पढ़ाओ, अखबार पढ़ो, वो अखबार के जीव है अखबार से बनवा। आप जो उपदेश दे रहे थे ना, दो लकड़ियों के रगड़ से रात दो लकड़ी छोड़ा, तू अखबार पढ़ा। आए सुना, जनसत्ता ने निकाला है, है अंग्रेजी है? नहीं हिंदी है। अंग्रेजी वाला दे दे, अंग्रेजी वाला सरकार कठिन पड़ेगा, हिंदी वाला जल्दी पढ़ा। हाँ ये पढ़े, एक बिस्तर पीछे हो गया। हाँ पढ़ा जोर जोर से। ये सब कुछ देव रहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ, सब है बकवास है, खा कर जाए जी। पढ़िए पढ़ा बच्चा। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई दिल्ली द्वारा आज पढ़ा ऊपर जी, जी। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में ऊपर से पढ़ा अच्छा अच्छा जी। सब कुछ देवराहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई दिल्ली में भी नहीं किए गए, बल्कि सब कुछ वृंदावन में देवराहा बाबा के आश्रम में तय हुआ। देवराहा बाबा ने ही विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को निर्देश दिए। पिछले हफ्ते 1.5 घंटे की बातचीत के दौरान उन्होंने राजीव गांधी को भी निर्देश दिए। इसके बाद भी राजीव के दूत लगातार बाबा के संपर्क में रहे, अयोध्या में वही हुआ जो इन बैठकों में तय हुआ। तो आपने राजीव जी, राम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधक न्यासी अशोक सिंघल ने जनसत्ता से बातचीत में माना
कि देवराहा बाबा एक धार्मिक महापुरुष हैं जो हमारे हर कदम का मार्ग निर्देश करते रहे हैं। बाबा ने 6 नवंबर को राजीव गांधी से कहा कि उन्हें मंदिर निर्माण की विश्व हिंदू परिषद की मांग का समर्थन करना चाहिए। बाद की घटनाओं से साफ है कि गांधी ने वही किया जो बाबा ने उनसे कहा, तो लेकिन उन्होंने पूरी तरह तो किया नहीं। लगावट है, यह कमजोरी तो हार है। अच्छा, लेकिन लगाई दिया है, वह गड़बड़ है। अच्छा, फड़क जा। और शिलान्यास के पहले दिन बाबा ने शिलान्यास स्थल बदलने का सरकारी सुझाव ठुकरा दिया। वैसे विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता भी इसके लिए तैयार हो गए थे। सरकार शिलान्यास स्थल को प्लाट नंबर 587 में स्थानांतरित करना चाहती थी। इस जगह पर कोई विवाद नहीं है, यह जगह मूल स्थल से कोई 7 गज दूर है। 5 नवंबर को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा करवाने के लिए इलाके का दौरा किया। प्लॉट रामकृपाल दास के पास लीज पर था। उन्होंने मंदिर के लिए अपनी जमीन देने की पेशकश की थी। वहां एक नहान घर और एक दीवार बनी हुई थी जिसे शिलान्यास की जगह बनाने के लिए तोड़ा जा चुका था। 6 नवंबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर पूछा कि क्या प्लॉट नंबर 586 विवादास्पद जमीन में आता है। विश्व हिंदू परिषद ने बाद में वहीं राम मंदिर शिलान्यास का समारोह किया। अगले दिन यानी 7 नवंबर को अदालत ने साफ किया कि यह प्लॉट विवादास्पद जमीन में आता है। सरकार को अगर इस प्लॉट की वही स्थिति का पता था तो उसे बात अदालत से पूछी क्यों? उसने बात अदालत से पूछी ही क्यों? प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि इसकी एक वजह यह थी कि शिलान्यास की जगह बदलने के लिए कानूनी दबाव बनाया जाए। अगर विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तैयार हो जाती तो कोई समस्या ही नहीं थी। शिलान्यास, महायज्ञ और शिलान्यास भी गैर विवादास्पद जमीन पर आराम से संपन्न हो जाते और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी उस जगह पर शिलान्यास करने में कोई एतराज नहीं होता। इस तरह सरकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को खुश कर लेती और इन दिनों उनकी खुशी का मतलब है वोट। इस सरकारी पेशकश से विश्व हिंदू परिषद के नेता बंट गए थे। इस बारे में परिषद और सरकार के बीच बातचीत आगे बढ़ने के साथ ही बाबा ने अशोक सिंघल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक SC दीक्षित से वृंदावन आकर उनसे मिलने को कहा। श्री दीक्षित वहां गए। श्री सिंघल कहते हैं, देवराहा बाबा ने साफ साफ कहा कि हमें शिलान्यास तय जगह पर ही करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी भी वहां शिलान्यास करने की बात मान लेंगे, पर तभी यथा स्थिति बनाए रखने का अदालती आदेश आ जाने से भ्रम पैदा हो गया। परिषद के नेता सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी में लग गए, लेकिन जनता की नाराजगी के आगे अदालती निर्देश कहीं खो गया। यही वजह थी कि सरकार ने शिलान्यास को रोका नहीं। 8 नवंबर को हालात बदल गए और शिलान्यास की पिछली रात को सरकार ने नई दिल्ली में बयान जारी किया कि वह प्लॉट तो विवादास्पद है पर शिलान्यास की जगह विवादास्पद जमीन के दायरे में नहीं आती। यानी सरकार ने परिषद को मन मर्जी से काम करने की छूट देना तय कर लिया था। मकसद यह हवा फैलाने का था कि शिलान्यास सरकार की बदौलत हुआ है, परिषद की बदौलत नहीं। जब शिलान्यास समारोह शुरू हुआ तो श्री दीक्षित हिंदुओं और परिषद की जीत की घोषणा करने माइक पर गए। उन्होंने कहा, आपकी ताकत की वजह से ही प्रधानमंत्री को देवराहा बाबा के सामने घुटने टेकने पड़े। श्री सिंघल कहते हैं कि बाबा ने जो कहा उसे पूरा कर दिखाया। एक और नेता ने कहा, जनवरी में भी हम वही फैसला करेंगे जो बाबा कहेंगे। तब तक विवाद का मुद्दा यह रहेगा कि शिलान्यास के लिए हिंदुओं ने सरकार को मजबूर किया या सरकार ने खुद हिंदुओं को यह भेंट दी। अब आप बताइए कि क्या है बात। आप बताइए महात्मा। अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते जी? जी, वो एक ही संजय सूरी दोनों हो गई अंग्रेजियों में। इंडियन एक्सप्रेस जी मैं जानता हूँ। जी मैं जानता हूँ। जाने हो जी? जी इंडियन एक्सप्रेस। हाँ बस वो जाने थे। और सुना जी, एक बिस्तावर रहा कि ललाट पर तुहरी दृष्टि पड़े। जी एक बिस्तावर हो जाए कि ललाट पर दृष्टि पड़े, तो बुद्धि बढ़िया हो जाए। हो गया तू भगत है, बुद्धि बाहर को बढ़िया पूछा तब बताई। हाँ तो आप बताएं कि क्या बात सही है। यानी हमारा आशीर्वाद है और क्या बताएं कि कौन कौन आपसे मिलने आए, फिर आपने क्या क्या कहा, ये कुछ बताइए। हमारे यहाँ मिलने वाले की गिनती नहीं है। और सरकार इसमें राजीव गांधी, बूटा सिंह, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों में से नहीं देखिए विश्व हिंदू परिषद वहाँ जाकर महाराज जो उपदेश दिए थे। कागज वही जो सीरियस भगत को उपदेश हुआ था वहाँ छपवा कर उसके लिए बोल दिया। यही जो पड़ा भाई यहाँ से
8 तारीख पढ़ भाई पढ़। महाराज जी ने ही उपदेश दिया कि काल रुकना नहीं चाहिए। हाँ बोल कर पढ़ लीजिए। श्री राम जन्मभूमि की आंधी न रुके, सारे देश की आंधी अयोध्या में आवे, इसी आंधी वो कगदाली है। अच्छा ठीक है पढ़ा। अच्छा नहीं भाई श्री राम जन्मभूमि की आंधी न रुके, भक्त तो प्रसन्न होंगे और इसमें हमारे मुंह से सुनेंगे तो वो बात नहीं होगी। हमारा आशीर्वाद मंदिर भगवान का बनल जाए अयोध्या में। हाँ आशीर्वाद भगवान का मंदिर अयोध्या में बनेगा, हमारा आशीर्वाद है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ अच्छा आज की राजनीति के बारे में थोड़ा सा बता दें बाबा जी कि आज की राजनीति में कोई त्रुटियां आ गई हैं, कोई कमियां आ गई हैं, और अगर क्या हैं तो क्या हैं, कैसे दूर हों। सुना वो है गोरक्षा हो जाएगा तो सब कल्याण हो जाएगी। हाँ गोरक्षा में ही सबका कल्याण है। हाँ गोरक्षा में सबका भला। और जैसे कुछ बेईमानी भ्रष्टाचार इस तरह कोई ना, यानी गोरक्षा हो जाएगा तो कल्याण मती शुद्ध होगी। हाँ तब बेईमानी वगैरह दूर होगी। अरे भाई बेईमानी से मन का स्वभाव है, मन का भगवान के चरणों में ध्यान धरे भगवान का, और बेईमानी के जान ले कि इससे जो है हानि है, यानी ईमानदारी वृद्धि अच्छा है। हाँ बेईमान होना अच्छा नहीं, ईमानदार होना अच्छा। तू पूछा धीरे धीरे बताए तू भगत है। अच्छा अपने बारे में कुछ बताइए कि आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, लोगों ने सुना बहुत है पढ़ा है लेकिन आपको देखा नहीं है, ये उन्हें एक अवसर मिलेगा आपको देखने का, कुछ अपने बारे में बताइए जो आप बताना ठीक समझ। क्या बताऊं हम है जोगी तो क्या पूछते हैं सब बताइए। अपने जीवन के बारे में बताइए कि कैसे आप योगी बने, कब बने। सुना यानी हमारा जो है ईश्वर लीन वृत्ति है, और यानी यही आयु है, अवस्था हमारा ईश्वर लीन है। हाँ और महामुद्रा महाबंध महावेदरी उद्यान मूल बंधस्य बंधो जाल धराभिद करणी विपरीताख्या वज्रवली सत्य चालनम इदम ही मुद्रा दस्कं जरा मरण नासनम। हाँ अर्थात यानी जैसे तुम्हार जीवा है ना तो तू आदमी है, और जोगीन के जीवा में तुम्हारे जीवा में भेद है। जोगी लोग जीवा को पलट के यहाँ कपाल कुहर मलइए, और कपाल कुहर मलई जी उससे अमृतत्व की प्राप्ति है और साधन मिलाई है, उससे जोगी अपनी इच्छा से शरीर न छोड़े तो अमर है। हाँ आपकी अवस्था के बारे में लोग अलग अलग अनुमान लगाते हैं। अलग अलग अनुमान लगे क्या वो है बढ़िया। हाँ आप बताएं क्या अवस्था है। बता दीजिए कि आदमी से भिन्न बेटी सुना है ये खेचरी जो है ये पलाश के कपाल कुहर में ले जाया जाए तो वैसे अमृत पान हुई, वैसे आदमी के यानी वृद्धि नहीं है, एक पहर रोज जोगी की अवस्था बढ़ती है। और सुन यानी ये गुप्त बात है, चाहे चाह तो रोके सिद्ध खेचरी का दर्शन हम करा सकता है, उकाव के डाले सुन तो लेकिन एक जम है फोटू न लेकर। हाँ सिद्ध खेचरी का दर्शन करा सकता ये गुप्त चीजें तो संत जी सेवक बुलाओ। सेवक बंद कर दे बाबा जी बंद कर दे। नहीं ये तो रखे रहा कहीं कुछ कुछ बात बताइए। ये तो रखे रहा तू भगत है। अरे तू भक्त जीव है रखे रहा बताए दे। अब बाबा जी आज के जो लोग आते चुप रहा देखा इनके जेबा लिहुर के बूढ़ी नाचे कई के ताका जी बाहर कर भाई देखा और ऊपर करा देखा एकदम चल जाई कपाल कुहर में जेबा। हाँ मुंह में जेबा लौकी जाए समझत है बच्चा भाई थोड़ा धीरज धरो थोड़ा सा धीरज।
अब गड़बड़ाई गया तो हाथ संभाल जो है गजब हो गया। और वो कप्तान है मथुरा के, वो दोनों को फोटो ले लिया, वो अब कैसे ही खड़ा हो जाए कि वैसे पड़े रह देगा, जैसे तुम कहा वैसे किया जाए। दीदी आप नहीं कर, मैंने अब खड़ा हो के आज्ञा दे दी, बच्चा खड़ा हो जाए। देखा और सुना सुना ये हरावा बच्चा है हरा, इनका नाम अशोक सिंघल है और यह जो है भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीधा चल दीक्षित। हाँ ये कर लूंगा भाई पढ़ा तोड़ा करे तो यह है देख लिया। हाँ इन लोगों को फोटो ले लिया, ले लिया फोटो ले लिया सरकार। हाँ तो ले लिया तो सब ठीक है, ये नहीं कि फोटो लिया बस ठीक, बस यह दो के फोटो लेना है और किसी का दो के फोटो ले। इनका नाम अशोक सिंघल है, इनका नाम यानी भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरज चंद्र दीक्षित। सब बड़े और सुना हिंदू विश्व परिषद में यह काम कर रहे, इस वक्त रिटायर्ड होकर यही काम में है, समझा ना। परिजन बाबा जी इन्हीं से मिलकर चलाए थे आपके पास, ये नहीं जब मिल के आए रहा तब प्रसन्नता में गुहर कहाँ भाग गया, तू रागवाज चला तू रागवाज चला, तब मिल के आए रहा तो आज और मिल लिया देख लिया वही तो अब प्रसन्नता आई तू है जी बाबा जी। हाँ तो यही भगा फिर सब बताए तो अभी हम उपदेश किए तो उन्होंने सुना जाए लोग जो रखे अभी नहीं कागज था जो अभी उतारा हुआ सुना दे। अरे नहीं जी वो जो हमें मोहर से बोला है वो सुना दे। अच्छा वो बाबा जी सुना देंगे, वो अलग से सुना देंगे, हम लोग दिल्ली ही जाएंगे सुना देंगे। अभी अभी अभी, अभी सुना दे, अभी सुना दे।
धन्यवाद।